दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम बैंक के दो नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। पहला अपडेट दोस्तों पेटीएम बैंक की एफडी को लेकर है और दूसरा अपडेट पेटीएम बैंक डेबिट कार्ड को लेकर है। तो इस वीडियो के साथ दोस्तों आप बने रहिए, इस वीडियो को आखिर तक आप पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैं हूं समरजीत सिंह, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्योर टेक टॉक। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स आपको पेटीएम बैंक पर लॉगिन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मांग रहा है। फिंगरप्रिंट्स के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि कैसे आप फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ आई के बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपने पेटीएम बैंक पर लॉगिन कर लिया है। फ्रेंड्स आप देखेंगे लिमिट फॉर ऑटोमेटिक फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ आप देखेंगे मिनिमम अमाउंट ऑटोमेटिकली हमें 10,000 रुपए दिखा रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए से ज्यादा भी हैं तो यहाँ पे आपको एक लिमिट सेट कर देनी है। जैसे ही आप उस लिमिट के ऊपर अपने पेटीएम बैंक में पैसे डालेंगे ऑटोमेटिक उस लिमिट से ऊपर के पैसे होंगे उसकी एफडी हो जाएगी बिना आपके कुछ करे। नीचे आपको चेंज लिमिट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं व्हेन योर डे एंड बैलेंस एक्सीड द लिमिट यू सेट बिलो फिक्स डिपॉजिट विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जैसा मैंने आपको बताया 10,000 मिनिमम लिमिट, तो आप इसे 12-15,000 पे 20,000 रुपए 30,000 कुछ भी मतलब 1,00,000 रुपए के अंदर अंदर की सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 21,000 रुपए लिमिट सेट की है। लिमिट सेट करने के बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं 21,000 वहां पे लिमिट आ चुकी है। तो अब 21,000 से ऊपर जैसे ही मेरे अकाउंट में बैलेंस होगा उसकी ऑटोमेटिक एफडी हो जाएगी। पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ एफडी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे ब्रेक करनी है, उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैनुअल पे एफडी कर सकते थे, मिनिमम 100 रुपए की एफडी होती है। मैनुअल एफडी कैसे करनी है उस बारे में भी ऑलरेडी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दूसरा अपडेट दोस्तों जो बैंक का है वो पेटीएम डेबिट कार्ड को लेकर है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आपको मैनेज डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड सिंपली आपको इसे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट योर एटीएम कार्ड का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपका कार्ड डैमेज हो गया या फिर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, आपका लॉस्ट हो गया कार्ड, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आ गया। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना, आप अपना डेबिट कार्ड नया मंगवा सकते हैं। जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा तो ये आपको बोल रहा है कि न्यू डेबिट कार्ड इशू करने के लिए पहले आपको पुराने डेबिट कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक करने के बाद आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड एक जो है वो नया इशू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप अपना फिजिकल डेबिट कार्ड लेंगे दोबारा से ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। बीसी एजेंट्स के पास जाके आप ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको 250 पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये दो नए अपडेट से पेटीएम बैंक। अगर दोस्तों आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यू अपडेट्स के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के वीडियो देखने के लिए।